मधेपुरा के पुरैनी में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शहादत परदेसी ने किया। उन्होंने सभी पंचायतों के नव निर्वाचित पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का अभिनंदन किया। बैठक में 5 जनवरी को मधेपुरा में आयोजित लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रणनीति तय गई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव अखिलेश कुमार यादव ने कहा कि 2014 में जीते थे और आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में भी जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव को हरा सके। इनकलाब जिंदाबाद। पप्पू जी शुरू करें तो हमारा मधेपुरा लोकसभा का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं का रैली है और उस रैली के माध्यम से हम 2019 के चुनाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो चुनाव हमारे सामने है, 4 महीने सामने जो 2019 में होने जा रहा है, यह जो अटकलबाजियां लगाई जा रही थी कि पप्पू यादव चुनाव कहां से लड़ेंगे, यह साफ तय हो गया है कि मधेपुरा से ही पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल था कि गठबंधन किससे होगा, हमारा गठबंधन कांग्रेस और राजद के गठबंधन से होना तय हो गया है। हमारा जो है सो जनवरी में ऐलान हो जाएगा और यह महागठबंधन के लोगों ने भी कहा है कि 2019 का चुनाव का हम 14 जनवरी के बाद घोषणा करेंगे, तो 14 जनवरी के बाद घोषणा हो जाएगा कि मधेपुरा से ही पप्पू यादव सांसद चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को पुनः जीतेंगे। इसलिए जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद करते हैं, मधेपुरा की जनता जिंदाबाद करते हैं।